झांसी की रानी यदि चली गई तो अंग्रेजों के माध्यम से नहीं, हमारे देश के गद्दारों के माध्यम से उसका बलिदान हो जाया करता है। अरे दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखिए, अपना ही चिराग अपना घर जलाता है, अपना ही चिराग अपने घर में आग लगाता है। इतिहास उजागर देखो, जब जब धोखे मिले हैं गैरों से नहीं मिले हैं, धोखे हमेशा अपनों से मिले हैं। ध्यान रखिए, मीरा को जहर दुश्मनों ने नहीं दिया, उनके राणा ने उन्हें जहर दिया था। ध्यान रखना, राम लक्ष्मण को वनवास पड़ोसी नहीं देता है, उनके घर के लोग उन्हें वनवास दिया करते हैं। और नारायण कृष्ण को जेल में पैदा होने को मजबूर कोई दुश्मन नहीं करता है, सगा मामा उन्हें जेल में पैदा होने को मजबूर किया करता है। ऋषभदेव का विरोधी कोई और नहीं, उनका ही पोता मारीच हो जाता है। ध्यान रखिए, इतिहास उठाकर देखो। हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, बल्कि हमारे ही गद्दारों ने इस देश को गुलाम बना करके रख। उनकी क्या बिसात थी जो हमारे देश पर अधिकार कर सकते। हम तो जब भी हारे हैं अपनों से हारे हैं। ध्यान रखना, जब भी चोट मिली है अपनों से मिली है, और जब भी दर्द मिला है अपनों से प्राप्त हुआ करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फूलों से अच्छे तो खार होते हैं जो दामन थाम लिया करते हैं। ध्यान रखिए, किन फूलों से प्यार करते हो। ये सब धोखेबाज लोग, भरी सभा में एक स्त्री की इज्जत लूटी जाती है, एक स्त्री को बेपर्दा किया जाता है, एक नारी का चीर खींचा जाता है, तो कोई और नहीं खींचता है, अपने ही रिश्तेदार अपने ही खानदान के लोग द्रौपदी को भरी सगा में नंगी करने को तैयार हो जाया कर। ये दूसरे लोग नहीं है, ये अपने ही लोग हैं। भरत बाहुबली का युद्ध होता है, ये भी भाई भाई की लड़ाई हुआ करती है। ध्यान रखना, आज ये झांसी चली गई तो कुछ गद्दारों के कारण रानी लक्ष्मीबाई को मौत के मुंह में जाकर समाहित होना पड़ा।